हमें उनको मनवाना कैसे है, अब हमें केवल इसी पे विचार करना चाहिए। यूनाइटेड फोरम ने वर्ष 2021 को संकल्प वर्ष के रूप में, संकल्प वर्ष 2021 के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, और उसमें हमने माना है कि हमें अपने मध्य प्रदेश के पावर सेक्टर को शोषण मुक्त बनाना है। शोषण मुक्त सबसे पहले आउटसोर्स मुक्त, संविदा मुक्त, असमानता मुक्त, इन सब चीजों को देखना है। आउटसोर्स में हमें सबको नियमित होना चाहिए, संविदा को नियमित होना चाहिए। हमारी जो भी पेंशन की व्यवस्था है वो पूरी होना चाहिए, लेकिन इन सबको मानेंगे कैसे? हमने जो 2021 संकल्प वर्ष डिक्लेयर किया है उसमें हमें पूरे 2021 वर्ष में ही पूरे साल आंदोलित रहना है, आंदोलित रहना है। अभी हमने पांच मांगों को लेके अपना ये आंदोलन शुरू किया था। सबसे पहला निजीकरण, दूसरा संविदा का नियमितीकरण, तीसरा आउटसोर्स जो शोषित वर्ग है उसके लिए, जब दूसरे इस देश के दूसरे प्रदेश उनके लिए संविलियन कर सकते हैं तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर सकती है? आउटसोर्स के लिए संविलियन करना चाहिए, उनका भी भविष्य सुरक्षित रहेगा तो वो हमारे लिए और अच्छा काम करेंगे। चौथा है पेंशन की व्यवस्था, बहुत आवश्यक है एमपीएससीबी के एम्प्लॉय और जो 50,000 आज की डेट में पेंशनर्स हैं उनके लिए। फिर असमानता, असमानता ये कौन लाता है?